राजेंद्र गुड्डा का एक बार फिर विवादित बयान हुआ वायरल। उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला सम्मान यात्रा के दौरान भरी सभा में दिया विवादित बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दिया बयान, विवादित बयान के दौरान कहा मुख्यमंत्री को समझता हूं बाल। उदयपुर वाटी में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने एक बार फिर विवाद पैदा करने वाला बयान दिया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा उदयपुर वाटी में मुख्य बस स्टैंड पर सभा के दौरान यह बयान दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए आखिर राजेंद्र सिंह गुड्डा ने अपने बयान में कहा क्या है। मुझे पता है मुख्यमंत्री को बात समझता हूं मैं, कुछ नहीं समझता, क्योंकि मेरे कहने आज भी नहीं, मेरे छोटे और बड़े भाई और बहन है मेरे पीछे। मुझे पता है राजेंद्र गुड्डा को जेल में डालेगा तो आग लगेगी, उन्हें राजस्थान में सांस बंद हो जाएगा। मैं कहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से मीडिया को, गहलोत साहब मैं आपके साथ दो बार मंत्री रहा हूं, आपका जानता हूं और आपका आह्वान करता हूं, आपके राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाल के देखना, आप जेल में डाल के देखना। मैं इंतजार करता हूं जिस दिन आपकी पुलिस आएगी तो आपको वेलकम करूंगा, धन्यवाद। सांस बंद नहीं हो जाए, आपकी पार्टी के सदा सदा के लिए समर्थन। बंगाल में कांग्रेस के सारे मेरे मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 400 एमएलए हैं और विधानसभा में बीजेपी की मोटरसाइकिल की सवारी है दो, 400 में से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए हैं दो, बिहार में समाचार समा, बंगाल में समा, पूरे हिंदुस्तान में समाप्त हो गए और ये यहां भी करने में लगे हुए हैं। हमने तो इनके लिए जान दे दी, मुर्गो जान दे दी, खाबाड़ो कहे मजो करे। अरे मुझे तो अपनों ने लूटा, नेहरू में कहा था मेरी किस्त भी डूबी, वहां का पानी बहुत बंद था।